हेलो नमस्ते। आज मैं बनाने जा रही हूँ घेवर। इसके लिए मैंने लिया है 1/4 कप घी, देसी घी, और इसी कप से नाप कर लिया है मैंने 1 कप मैदा। एक छोटा चम्मच बेसन। अब इस घी में बर्फ डालकर इसको अच्छे से स्मूथ बना लेंगे। घी को एकदम वाइट कर लेंगे, एकदम स्मूथ बना लेंगे, एकदम सॉफ्ट बना लेंगे घी को। करने को तो आप मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे हाथ से ज़्यादा इजी लगता है तो मैंने हाथ से किया है। और ये हमारा सॉफ्ट हो रहा है घी, ये देखिए ये हमारा सॉफ्ट हो चुका है, एकदम बढ़िया वाइट हो चुका है घी। अब मैं इसमें डालूँगी मैदा थोड़ा थोड़ा करके, ताकि मैदे में कोई लम्स ना पड़े। अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी धीरे धीरे करके। हम थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। इससे हमारा बैटर बहुत ही स्मूथ अच्छा बनेगा। अब सारे मैदे को हम डाल लेंगे धीरे धीरे करके। हमने सारा मैदा मिक्स कर लिया है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। और पानी चिल्ड होना चाहिए, पानी एकदम ठंडा डालना, बिल्कुल पानी ठंडा होना चाहिए। ठंडा पानी डाले बैटर में और घोलते जाए। और अब ये मैं बना रही हूँ चाशनी। 1 कटोरी चीनी लेके मैंने आधी कटोरी पानी डाल दिया है। इसको चलाते हुए चाशनी बनानी है जब चीनी मेल्ट हो जाए। और ये हमारी चीनी मेल्ट होकर चाशनी बन चुकी है। अब इसको चेक करेंगे, हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। अब इसे चेक करेंगे, देखिए 1 तार की चाशनी बन चुकी है। बस इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, ज़्यादा पकाएंगे तो जम जाएगी। और इसमें आधा नींबू का रस भी डालना है, जिससे हमारी चाशनी के चाशनी जमेगी। और ये मैंने यहाँ पर भगोना चढ़ा दिया है घी डालकर, एकदम गरम घी में मैंने बैटर डाल दिया। और उसमें घेवर बन चुका है एक बार। अब मैं दोबारा बना रही हूँ, देखिए बोतल से मैं डाल रही हूँ बैटर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर से, और बिल्कुल बीच में डालना है बैटर सावधानी से, क्योंकि जब हम बैटर डालते हैं तो घी ऊपर आता है। और बर्तन ऐसा हो जिसका तला मोटा हो, बर्तन का तला भारी होना चाहिए। और ये भी सी देखो अच्छे से फ्राई हो गया है एकदम गोल्डन ब्राउन। अब इसके एक्स्ट्रा घी मैं निकाल रही हूँ, अब इसको जाली पे रख दूँगी। ये देखिए मेरे केवर्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं एक एक करके इन्हें जाली पे रख रही हूँ ताकि इसका एक्स्ट्रा घी निकल जाए। और मैं एक बार फिर फ्राई कर रही हूँ, बिल्कुल ऊपर से थोड़ा थोड़ा बैटर डालना है। इसी तरह से हम सभी घेवर बना लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा हमारा घेवर बना है, एकदम गोल्ड।
गोल्डन ब्राउन सी का है, इसमें थोड़ा डार्क कलर है लेकिन इतना डार्क नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बने हैं हमारे घेवर। आपका बैटर जितना अच्छा होगा आपके घेवर भी उतने ही अच्छे बनेंगे। आप ऑयल कोई सा भी ले सकते हैं अपनी मर्जी, चाहे देसी घी में बना सकते हैं, चाहे ऑयल में बना सकते हैं, किसी भी चीज़ में बना सकते हैं आप। ये देखिए ये भी फ्राई हो चुका है, ये सारे केवल फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन पर चाशनी डालूँगी, अच्छे से सभी घेवरों को अच्छे से चाशनी डालूँगी ताकि सभी घेवर के अंदर चाशनी चली जाए हमारी और वो सॉफ्ट हो जाए। इसमें ड्राई फ्रूट डालूंगी, अभी मैंने रबड़ी बनाई है तो मैं पहले इस पर रबड़ी डालूंगी, फिर उसके बाद ड्राई फ्रूट। ये मैंने रबड़ी बनाई है दूध की, सभी पर रबड़ी लगा लूँगी और अच्छे से ड्राई फ्रूट लगा दूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।